जनादेश भारत न्यूज चैनल की ओर से सभी देशवासियों क्षेत्रवासियों को सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ। बिजनौर चर्चित देवेंद्र हत्याकांड में तीन भाइयों पिता समेत पांच को उम्र कैद। मृतक देवेंद्र की आरोपियों ने राशन डीलर व चुनावी रंजिश में की थी हत्या। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर लाइव हत्या की हुई थी वीडियो वायरल। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर हिंदी में देखिए। 26 मार्च 2022 को गांव स्वाहेड़ी में हुई थी हत्या। हत्या के बाद क्षेत्र में फैल गई थी सनसनी। अपर जिला जज रामलाल ने सजा सुनाते हुए आरोपियों पर 2 लाख का लगाया अर्थदंड। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के स्वाहेड़ी गांव 22 को एक देवेंद्र नाम की व्यक्ति की हत्या हुई थी जिसका वीडियो वायरल हुआ था। अब इस मामले में सजा हुई है, क्या पूरा मामला है? ये 26 मार्च 2022 सुबह 7:30 बजे की घटना थी। ग्राम सोहेड़ी है थाना कोतवाली शहर में। इसमें राशन डीलर देवेंद्र की एक दुकान थी। उस राशन डीलिंग की दुकान को लेकर और चुनाव की रंजिश थी इनकी, जो इसमें अभियुक्त थे पांच, राम बहादुर, नवनीत, पिंकू, विपुल और एहसास। इन लोगों की राशन डीलिंग की दुकान को लेकर और चुनाव की प्रधानी के चुनाव को लेकर इनकी रंजिश थी आपस में, जिसको लेके इन्होंने एक दूसरे से ये मेढ़ा मेरा है, ये मेढ़ा उसका है और उसके खेत में मिला, इस बात को लेके इनके बीच में झगड़ा हुआ था। इसी वजह से इन्होंने इसी मोटिव से इसकी हत्या की थी देवेंद्र की, जिसमें देवेंद्र के 3 गोली लगी थी और उसके बेटे मोहित के 1 गोली लगी थी और अतुल के चाकू की चोट थी। हमने अपने पूरे ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन की तरफ से 14 गवाह न्यायालय में पेश किए, जिनमें से 3 फैक्ट के गवाह थे। इसमें वादी था हिरेंदर, वो भी फैक्ट का, इसमें मौके का गवाह था, वो भी आई विटनेस था, और 2 इंजर्ड खुद इसमें आई विटनेस थे। इस प्रकार कुल मिला के प्रोसिक्यूशन की तरफ से 14 गवाह हमने पेश किए। 14 की मुख्य परीक्षा हुई, जिरह हुई, जिसमें बचाव पक्ष अपने हित की कोई बात उनमें से नहीं ला पाया और पूरी स्टोरी न्यायालय के सामने एक चित्रण की तरह, जैसे टीवी पे चित्रण चलता है किसी स्टोरी का, उस तरह से ये मामला पूरा न्यायालय के सामने आया और न्यायालय ने इसमें निसंदेह, संदेह से बहुत दूर, इसमें कोई संदेह बचा ही नहीं था, इस फैसले पर पहुंची कि ये चारों जो पांचों अभियुक्त हैं इन्होंने 302 का अपराध कारित किया है। उसी के मद्देनजर न्यायालय इस फैसले पर पहुंची कि इन पर आरोप सिद्ध होता है और इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कल ये डीजे 6 की कोर्ट से, सेशन कोर्ट से इन्हें सजा सुनाई गई है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।